नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको सैमुअल जॉनसन के बारे में बताऊंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। जॉनसन वाज एन इंग्लिश राइटर एंड क्रिटिक एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस लिटरेरी फिगर ऑफ द 18th सेंचुरी। जॉनसन एक अंग्रेजी लेखक और आलोचक थे और 18वीं शताब्दी के सबसे प्रसिद्ध साहित्यकारों में से एक थे। हिज बेस्ट नोन वर्क इज हिज डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। उनका प्रसिद्ध वर्क डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज है। सैमुअल जॉनसन वाज बोर्न इन लिचफील्ड, स्टेफोर्डशायर ऑन 18 सितंबर 1709। सैमुअल जॉनसन का जन्म 18 सितंबर 1709 को स्टेफोर्डशायर के लिचफील्ड में हुआ था। हिज फादर वाज अ बुकसेलर, उनके पिता बुकसेलर थे। ही वाज एजुकेटेड एट लिचफील्ड ग्रामर स्कूल, उन्हें लिचफील्ड ग्रामर स्कूल में शिक्षित किया गया था। एंड स्पेंड अ ब्रीफ पीरियड एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में काफ़ी समय बिताया। बट वाज फोर्स्ड टू लीव ड्यू टू लैक ऑफ मनी, लेकिन उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था पैसे की कमी के कारण। अनेबल टू फाइंड टीचिंग वर्क, वे टीचिंग वर्क ढूंढने में भी असमर्थ रहे थे। ही ड्रिफ्टेड इन टू अ राइटिंग करियर, लेकिन उसके बाद वे राइटिंग करियर में चले गए। इन 1735 ही मैरिड एलिजाबेथ पोर्टर हु वाज अ विडो। 1735 में उन्होंने एलिजाबेथ पोर्टर से शादी की जो कि एक विधवा थी। इन 1737 जॉनसन मूव्ड टू लंडन वेयर ही स्ट्रगल टू सपोर्ट हिमसेल्फ थ्रू जर्नलिज्म राइटिंग ऑन अ ह्यूज वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट। 1737 में जॉनसन लंदन चले गए और उन्होंने विभिन्न प्रकार के विषयों पर लिखते हुए जर्नलिज्म, पत्रकारिता के माध्यम से खुद का समर्थन करने के लिए संघर्ष भी किया। ही ग्रेजुअली एक्वायर्ड अ लिटरेरी रेपुटेशन एंड इन ही ग्रेजुअली एक्वायर्ड अ लिटरेरी रेपुटेशन, और उन्होंने धीरे धीरे साहित्य में अच्छी खासी प्रतिष्ठा भी हासिल कर ली। 1747 अ सिंडिकेट ऑफ प्रिंटर कमीशन्ड हिम टू कंपाइल हिज डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। 1747 में प्रिंटरों के एक सिंडिकेट ने उन्हें अंग्रेजी भाषा का शब्दकोश करने के लिए एक कमीशन भी दिया। एंड द टास्क टुक 8 ईयर्स, और इस काम को करने में 8 साल लगे। एंड जॉनसन एम्प्लॉयड 6 असिस्टेंट, ऑल ऑफ देम वर्किंग इन हिज हाउस ऑफ फ्लीट स्ट्रीट। और जॉनसन ने 6 सहायकों को नियुक्त किया, इन सभी ने फ्लीट स्ट्रीट से अपने घर में काम किया। द डिक्शनरी वॉज पब्लिश्ड ऑन 15 अप्रैल 1755। डिक्शनरी 15 अप्रैल 1755 को प्रकाशित हुई। इट वॉज नॉट द फर्स्ट सच डिक्शनरी, यह पहली डिक्शनरी नहीं थी। बट वॉज सर्टेनली द मोस्ट इम्पोर्टेंट एट दैट टाइम, लेकिन उस समय के सबसे इम्पोर्टेंट डिक्शनरी थी। इन जॉनसन्स लाइफ टाइम 5 फर्दर एडिशन वर पब्लिश्ड। जॉनसन की लाइफ में 5 और एडिशन पब्लिश्ड हुए। एंड ए 6th केम आउट वैन ही वॉज डेड, और 6ठा तब आया जब उनकी मृत्यु हो चुकी थी। जॉनसन्स वाइफ हैड डाइड इन 1752। जॉनसन की पत्नी 1752 में उनकी मृत्यु हो गई थी। एंड शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स फ्रांसिस बार्बर अ फॉर्मर स्लेव फ्रॉम जमैका, और फ्रांस का एक बार्बर जमैका का स्लेव जॉइंड जॉनसन्स हाउस होल्ड एज अ सर्वेंट, वो जॉनसन के घर पर आ गया नौकर बनकर। ही लिव्ड विद जॉनसन फॉर मोर देन 30 ईयर, वो जॉनसन के साथ 30 सालों से भी अधिक तक रहा था। एज डिड हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, जैसे उसकी पत्नी और बच्चे करते थे। एंड बिकम जॉनसन सायर, और बाद में जॉनसन का वारिस भी बना। जॉनसन वाज कंटिन्यूअली शॉर्ट ऑफ मनी डिस्पाइट द सक्सेस ऑफ हिज डिक्शनरी। जो उसकी डिक्शनरी की सफलता के बावजूद भी जॉनसन को लगातार पैसे की कमी होती रही। इन 1762 हिज फाइनेंशियल सिचुएशन वाज एलिवेटेड व्हेन ही वाज अवॉर्डेड अ गवर्नमेंट पेंशन, लेकिन 1762 में ये कमी उसकी दूर हुई जब उसको गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन मिली।
इन 1763 ही मैट जेम्स बोसवेल, 1763 में उनकी मुलाकात जेम्स बोसवेल से हुई, अ यंग स्कॉटिश लॉयर, जो कि एक युवा स्कॉटिश वकील थे, हुज लाइफ ऑफ जॉनसन वर पब्लिश्ड इन 1791, जिन्होंने जॉनसन की बायोग्राफी भी लिखी थी जो 1791 को पब्लिश्ड हुई, डेड मस्ट टू स्प्रेड जॉनसन्स नेम, और उन्होंने जॉनसन के नाम को भी काफ़ी फैलाया। इन 1773 जॉनसन एंड बोसवेल सेट आउट ऑन अ 3 month टूर। 1773 में जॉनसन और बोसवेल एक 3 महीने के दौरे पर निकल पड़े। द स्कॉटिश हाईलैंड एंड द हेब्रिड्स, स्कॉटिश हाईलैंड और हेब्राइड के 3 महीने के दौरे पर वे निकल पड़े। बोथ रोट अकाउंट्स ऑफ देयर ट्रैवल, दोनों ने अपने ट्रैवल के, अपनी यात्रा के, यात्रा का लेख भी लिखा। एंड जॉनसन स्पेंड कंसिडरेबल टाइम इन एडिनबर्ग इन द 1770। 1770 में एडिनबर्ग में जॉनसन ने काफ़ी समय भी बिताया। जॉनसन वॉज बाय नाउ द लीडर ऑफ द लंडन लिटरेरी वर्ल्ड, जॉनसन अब तक लंदन की साहित्यिक दुनिया के नेता थे। एंड अ फ्रेंड ऑफ नोटेबल आर्टिस्ट एंड राइटर सच एज जोशुआ रेनाल्ड, एडमंड बर्क, ओलिवर गोल्डस्मिथ एंड डेविड गैरिक। और वे जोशुआ रेनाल्ड, एडमंड बर्क, ओलिवर गोल्डस्मिथ और डेविड गैरिक के काफ़ी अच्छे दोस्त थे, जो कि आर्टिस्ट और राइटर भी थे। अनदर इम्पोर्टेंट फ्रेंडशिप फॉर जॉनसन वाज द हेनरी थ्रेले, और उनकी एक और इम्पोर्टेंट फ्रेंडशिप थी हेनरी थ्रेले के साथ, अ वेल्दी ब्रिवर एंड मेम्बर ऑफ द पार्लियामेंट एंड हिज वाइफ एस्टर, जो कि बहुत अमीर थे और शराब बनाने का काम करते थे और पार्लियामेंट में एक सदस्य भी थे, और उनकी दोस्त उनकी वाइफ के साथ भी थी जिसका नाम हेस्टर था। जॉनसन डाइड ऑन 13 December 1784 एंड इज़ ब्यूरिड एट वेस्टमिंस्टर एबे। जॉनसन की मृत्यु 13 December 1784 को हुई और उन्हें वेस्टमिंस्टर एबे में दफनाया गया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।